जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में आपने पूछा था कि आरपीएफ का जो लास्ट में प्रिंट निकलता है वो प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो और कई लोगों ने कहा है कि मेरा दो फोटो अपलोड हो गया है, तो दो फोटो ही अपलोड, लास्ट जो प्रिंट फॉर्म निकलता है उसमें दो ही फोटो होती है, एक में एक स्टैम्प टाइप का लगा होता है आरपीएफ का और एक नॉर्मल फोटो होता है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब अभी करंट में जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, जिनका भी पीडीएफ नहीं डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड कर ले। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पे जाके आरपीएफ का सेशन खोल लेना है और उसमें आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके सामने वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ये खुलने के बाद आपने जिस भी ग्रुप में भरा है उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ए ग्रुप में भरा हुआ है, तो ए ग्रुप खोलने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो कि 111 से मेरा स्टार्ट है, 1 2 3 111 0 थोड़ा तो इधर करना पड़ेगा, 111 0 2 3 तो दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा भर देना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये ऑनलाइन खुल जाएगा और इसको आपने यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ये ऐसा खुलेगा और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये जो स्लाइड है ये खुलने लगेगा और इसी स्लाइड में वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होगा। जैसे देखो अभी लिखा हुआ है डाउनलोड, और ये डाउनलोड होने के बाद इस जो ये फाइल है ये प्रोटेक्टेड है। इस प्रोटेक्टेड फाइल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और कोई भी स्लैश वगैरह नहीं लगाना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1993, तो आपको डायरेक्टली 0/5/04/1993 लिखना है और ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपका पीडीएफ खुल जाएगा, तो इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा आरपीएफ का। तो ये शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप लोग को पता चल जाए। आप लोग पूछते हो कि भैया बन मेरा पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, दो फोटो अपलोड हो गई है, तो फोटो दो ही रहती है, एक ऊपर साफ होती है एक नीचे स्टैम्प होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, या आपको कोई समस्या है और तो बता देना। जय हिंद दोस्तों।